नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही तैयारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर रामानुज कुमार के आवास में, जो आगामी चुनाव को लेकर के ये गंभीर हैं। तो आइए आज इनसे जानकारी लेते हैं आगामी चुनाव के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और स्वागत के साथ आप इस आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में आप बताएं। धन्यवाद न्यूज़ 24, खबर 24 जी। देखिए, 2019 की विधानसभा चुनाव आगामी 40 दिनों के अंदर में होने वाली है और बड़ी विधानसभा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के उम्मीदवारी को लेकर तरह तरह के बातें की जाती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पहला उम्मीदवार मैं ही हूँ जो चुनाव लड़ने का मैं घोषणा किया हूँ। और इसके पूर्व मैं किसी पार्टी से विशेष संबंध रख रहा था, मैं उस पार्टी से अपना नाता तोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किया हूँ। और मैं अपनी जनता को, अपने समर्थकों को बतलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे मैं बड़ी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हमारी एक कोशिश है कि मैं राष्ट्रीय दल से चुनाव लड़ूँ, और अगर राष्ट्रीय दल से हमें टिकट नहीं मिला तो मैं निस्संदेह चुनाव जो है निर्दलीय ही लड़ूंगा, पर यह तय है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप अभी बोले कि चुनाव लड़ूंगा, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आप रिम्स में अपनी सेवा दे चुके हैं, तो ये समाज सेवा और चुनाव लड़ने की भावना कब आपकी जागृत हुई? देखिए, अगर आप किसी बड़े शहरों में रहेंगे या आपका वहाँ पे कुछ समय बीता हो तो वहाँ की सुविधाएं, और जब आप अपने जन्मस्थल की सुविधाओं को कंपेयर करते हैं तो उस दृष्टिकोण से बड़ी विधानसभा हर क्षेत्रों में काफ़ी पीछे है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी का बेटा होने के नाते जिस तरह मैं अपने घर का दायित्व लेकर आगे घर को बढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से मैं बड़ी विधानसभा का दायित्व बनती है कि मैं पढ़ लिख कर केवल अपना स्वार्थ में कार्य करूँ, और ये हमसे नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी का पुत्र हूँ, बड़ी का बेटा हूँ, तो पूरा बड़ी विधानसभा मेरा अपना घर है और यहाँ के विकास के बारे में सोचना हमारी प्राथमिकता है। और इन सोच को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने, विजन को आगे ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चुनावी प्रक्रिया में आए और बड़ी के विकास को आगे ले जाएं, तभी यह संभव है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ राजनीति कर रहा हूं, और राजनीति करके मैं चुनाव भी लड़ने जा रहा हूं, और लड़ने के बाद मैं बड़ी को एक नया आयाम दूंगा, एक नया दिशा दूंगा, एक इसे राज्य के पटल पे ले जाने का प्रयास करूंगा। जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है जी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप अपने सोच पे सफल होंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, जब चुनाव का जब बात आई है तो आजकल का जो चुनाव चलता है ये पैसे से, जाति से, ये आप ही जान रहे हैं, तो आप ना जाति समीकरण से मजबूत हैं ना ही पैसे से मजबूत हैं, तो चुनाव लड़ने की आपकी जो शक्ति है, हिम्मत है, पैसे कहाँ से पैदा होगी? देखिए, अगर मैं जाति समीकरण में नहीं हूँ तो हमें लगता है कि यह हमारी विशेषता है, क्योंकि जाति समीकरण में आने के बाद जातिवाद हावी हो जाता है। और मैं जाति समीकरण में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं पूरे 3.5 लाख जनता जो बड़ी विधानसभा में निवास करती है, मैं उनके श्रेणी में आ गया। दूसरी चीज, जहाँ तक पैसे की बात है, अगर मैं पैसों को खर्च करके चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही तैयारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर रामानुज कुमार के आवास में, जो आगामी चुनाव को लेकर के ये गंभीर हैं। तो आइए आज इनसे जानकारी लेते हैं आगामी चुनाव के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और स्वागत के साथ आप इस आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में आप बताएं। धन्यवाद न्यूज़ 24, खबर 24 जी। देखिए, 2019 की विधानसभा चुनाव आगामी 40 दिनों के अंदर में होने वाली है और बड़ी विधानसभा
पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के उम्मीदवारी को लेकर तरह तरह के बातें की जाती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पहला उम्मीदवार मैं ही हूँ जो चुनाव लड़ने का मैं घोषणा किया हूँ, और इसके पूर्व मैं किसी पार्टी से विशेष संबंध रख रहा था। मैं उस पार्टी से अपना नाता तोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किया हूँ, और मैं अपनी जनता को, अपने समर्थकों को बतलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे मैं बरही विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हमारी एक कोशिश है कि मैं राष्ट्रीय दल से चुनाव लड़ूँ, और अगर राष्ट्रीय दल से हमें टिकट नहीं मिला तो मैं निस्संदेह चुनाव जो है निर्दलीय ही लड़ूंगा, पर यह तय है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप अभी बोले कि चुनाव लड़ूंगा, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आप रिम्स में अपनी सेवा दे चुके हैं, तो ये समाज सेवा और चुनाव लड़ने की भावना कब आपकी जागृत हुई? देखिए, अगर आप किसी बड़े शहरों में रहेंगे या आपका वहाँ पे कुछ समय बीता हो तो वहाँ की सुविधाएं, और जब आप अपने जन्मस्थल की सुविधाओं को कंपेयर करते हैं तो उस दृष्टिकोण से बरही विधानसभा हर क्षेत्रों में काफ़ी पीछे है जी। और मैं समझता हूँ कि बरही का बेटा होने के नाते जिस तरह मैं अपने घर का दायित्व लेकर आगे घर को बढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से मैं बरही विधानसभा का दायित्व बनती है कि मैं पढ़ लिख कर केवल अपना स्वार्थ में कार्य करूँ, और ये हमसे नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं बरही का पुत्र हूँ, बरही का बेटा हूँ, तो पूरा बरही विधानसभा मेरा अपना घर है, और यहाँ के विकास के बारे में सोचना हमारी प्राथमिकता है, और इन सोच को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने, विजन को आगे ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चुनावी प्रक्रिया में आए और बरही के विकास को आगे ले जाएं, तभी यह संभव है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ राजनीति कर रहा हूं, और राजनीति करके मैं चुनाव भी लड़ने जा रहा हूं, और लड़ने के बाद मैं बरही को एक नया आयाम दूंगा, एक नया दिशा दूंगा, एक इसे राज्य के पटल पे ले जाने का प्रयास करूंगा। जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है जी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप अपने सोच पे सफल होंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, जब चुनाव का जब बात आई है, तो आजकल का जो चुनाव चलता है ये पैसे से, जाति से, ये आप ही जान रहे हैं, तो आप ना जाति समीकरण से मजबूत हैं ना ही पैसे से मजबूत हैं, तो चुनाव लड़ने की आपकी जो शक्ति है, हिम्मत है, पैसे कहाँ से पैदा होगी? देखिए, अगर मैं जाति समीकरण में नहीं हूँ तो हमें लगता है कि यह हमारी विशेषता है, क्योंकि जाति समीकरण में आने के बाद जातिवाद हावी हो जाता है, और मैं जाति समीकरण में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं पूरे 3.5 लाख जनता जो बरही विधानसभा में निवास करती है, मैं उनके श्रेणी में आ गया। दूसरी चीज, जहाँ तक पैसे की बात है, अगर मैं पैसों को खर्च करके चुनाव लड़ूंगा तो निसंदेह मैं कोशिश करूंगा वो पैसे मैं पहले निकालूं जी। और मैं अगर बिना पैसे का चुनाव लड़ता हूं, जो सरकारी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, तो निसंदेह वो हमारे अंदर में ईमानदारी बनी हुई रहेगी, और हमें नहीं लगता है कि चुनाव जीतने के लिए या लड़ने के लिए पैसों की बहुत अधिकता होती है, क्योंकि आप बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे राज्य में जिनके पास बहुत सारे पैसे, लेकिन आज तक वो चुनाव नहीं लड़े। चुनाव जीतने के लिए जन समर्थन चाहिए, चुनाव जीतने के लिए मुद्दाएं चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए जमीन से जुड़ा होना चाहिए, वो सभी हमारे पास है, और जाति समीकरण में नहीं होना और पैसा नहीं होना, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप सोशल मीडिया के द्वारा या डायरेक्टली आपने भ्रष्टाचार को लेकर के बरही विधानसभा में बहुत सारे मुद्दा उठाए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ तक सफल हुआ है ये आप बताएं। देखिए, जो भी व्यक्ति बरही में निवास करता है उन्हें बिल्कुल इस बात से वो अवगत है कि यहाँ पे जो भी काम होता है वो बिना पैसों का काम होता नहीं है, चाहे वो ब्लॉक का मामला हो, चाहे वो थाना का मामला हो, या कहीं और अन्य क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त है, और इन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति विशेष सामाजिक कार्यकर्ता बनकर के वो इसे समाप्त नहीं कर सकता। मैंने कई गंभीर यहाँ पे मसले उठाए, लेकिन उसका निदान नहीं हो पाया। आप
इस निदान को करने के लिए आपको तंत्र में जाना होगा और उस तंत्र का नाम है प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र में आने के लिए आपको चुनावी प्रक्रिया में आना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की भ्रष्टाचार तभी मिटेगी जब यहाँ के लोगों का सोच सकारात्मक होगा। और भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, वो मजबूरी में कुछ लोग हैं जो गलत कार्यों में लिपटे हुए हैं। जब हम लोग यहाँ रोजगार का सृजन करेंगे, यहाँ के लोगों में उत्साह लाएंगे पढ़ाई के प्रति, यहाँ के लोगों को दिमाग में दिल में डालेंगे कि विकास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तभी जाके वो इस ओर अग्रसर होंगे। अन्यथा जैसे पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से होते आ रहा है वही होते रहेगा। फिर 5 साल हम लोग रोना रोएंगे और चुनाव के वक्त जो है हम लोग अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। मैं तो यही लोगों से अपील करूँगा कि नहीं, वोट का बर्बाद ना करें। अगर 5 साल अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए अगर आप सोच रखते हैं तो अपने को सही व्यक्ति का चयन करना है। बरही विधानसभा क्षेत्र में आप विकास को किस प्रकार से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? विकास यहाँ पे हुई है या नहीं हुई है? हुई है तो आप इसमें और भी क्या होना चाहिए? ये विकास तो हुई है, लेकिन विकास उनकी हुई है जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं। अपने यहाँ कुछ पार्टी के जो एक्टिव लोग हैं समाज में, वो अपने आप को 2 गुट में बांट लिए हैं। जी जी, ठीक है। एक फलना ग्रुप से है तो दूसरा ग्रुप से है।